बड़ी खबर जो आ रही है अब महाराष्ट्र की राजनीति से, क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। असली शिवसेना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अब इस पर उद्धव गुट को तगड़ा झटका लगा है। उद्धव गुट की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट से रोक से इनकार है, यानी कि जो उद्धव गुट है वो गया था कि चुनाव आयोग की जो कार्रवाई है उसको बाकायदा रोक दिया जाए, उस पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट के फैसले को, उद्धव गुट की याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया है। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं अगर इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लेता है, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करता है, क्योंकि बड़ा गुट होने के कारण हो सकता है शिवसेना का सिंबल एकनाथ शिंदे गुट को जा सकता है। एकनाथ शिंदे गुट को ये बड़ी राहत मिली है। तो उद्धव ठाकरे गुट के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। तो महाराष्ट्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ा फैसला आया है, क्योंकि काफी दिन से, जब से एकनाथ शिंदे सरकार बनी है, उद्धव गुट ने रुख किया था सुप्रीम कोर्ट का। प्रसून शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। प्रसून, हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा झटका है, और अगर यहाँ से सिंबल तक चला जाता है, इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई अगर होती है, तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे बहुत बड़ी मुसीबत में। जी, यह डर शुरू से ही उद्धव ठाकरे को सता रहा था, इसीलिए उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग के भरोसा न करके सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह मुद्दा ऐसा है जो भारत के चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, इससे कोई भी कार्रवाई भारत का चुनाव आयोग ले सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असली शिवसेना पर चुनाव आयोग फैसला ले सकता है और उसके फैसले को ही सभी को मानना होगा। जी, और फिलहाल चुनाव आयोग इस पर कब तक फैसला ले सकता है, क्योंकि अब तक तो रोक लगी हुई थी। जी, अभी मान के चलिए कि एक हफ्ते से 10 दिन के बीच में सारे फैसले आपके सामने आ जाएंगे। कारण यह है कि अब जैसे यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की आएगी चुनाव आयोग के पास, तो चुनाव आयोग अपनी कार्रवाई को शुरू कर देगा और 1 से 2 दिन में चुनाव आयोग को यह पेपर मिल जाएंगे। उसके बाद चुनाव आयोग ने एक तरीके से अपनी सारी कार्रवाइयां पूरी कर ली थी। इसी कार्रवाई को रोकने के लिए ही शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट में गया था चुनाव आयोग की कार्रवाई पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी कोई रोक नहीं है, चुनाव आयोग अपने स्वतंत्र है फैसले लेने के लिए। यानी कि कुल मिलाकर के ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर हो जाएगी, और एकनाथ शिंदे की एक तरीके से जीत हो जाएगी, और उद्धव के लिए बहुत बड़ा झटका। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।